हजारीबाग जिले में बरही से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर दुलमहा गांव में 6 फरवरी को सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन में शामिल होने जा रहे किशोर रुपेश पांडे की पीटकर हत्या के बाद अपराधी को सजा दिलाने की मांग को लेकर सिसई प्रखंड के भदौरी कुदरा दुर्गा मंदिर से आज शाम सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से रुपेश पांडे की निर्मम हत्या के विरोध में शांतिपूर्वक मौन कैंडल मार्च निकाला गया। सिसई प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं हिंदू जागरण मंच के बैनर तले हम लोगों ने शहीद रुपेश पांडे जी की जो मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या की कर दी जाती है उसके विरोध में पूरे हिंदू धर्मावलंबी सनातनी लोग आज पूरी जोर के साथ कैंडल मार्च निकाल करके सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि यदि इस तरह की घटनाएं हम हिंदू समाज के लोगों के साथ अगर होती रहेगी तो निश्चित रूप से सरकार जो है वो चेत जाए, वरना यदि अगर इस तरह की कार्य को, इस तरह की घटना को जो लोग अंजाम दे रहे हैं उनके साथ अगर सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई यथाशीघ्र नहीं की जाती है तो हिंदू समाज एक हो करके सरकार के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध एक ऐसा आंदोलन छेड़ेगी जिसे सरकार और यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है वो यह नहीं समझ पाएगी कि हिंदुओं में भी क्या आक्रोश है। निश्चित रूप से यह बहुत ही निंदनीय घटना है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। हम सभी हिंदू धर्मावलंबी सनातनी भाई बंधु यह चाहते हैं कि यथाशीघ्र जिन दोषियों ने हत्याएं में शामिल घटना का अंजाम दिया है उनकी कड़ी से कड़ी सजा हो और अभिलंब गिरफ्तारी हो। मैं सुमित कुमार जी, आज हम सब सिसई के सनातन लोगों के द्वारा उनकी हत्या की गई, उनको कड़ी से कड़ी सजा देते हुए मॉब लिंचिंग कानून जो झारखंड में बना है उसके तहत उन्हें दंड दिया जाए और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए, इसी मांग को लेकर हम आज कैंडल मार्च निकाले और अंत में उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का हम लोग मौन रख कर आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। यादव, थाना रोड, सिसई। झारखंड में जो देखने को मिल रहा है, कभी सिमडेगा में, कभी बरही में, कभी हजारीबाग में, ये सब घटना हो रही है, ये हमारे हिंदुओं के लिए काफ़ी अपूर्णीय क्षति है और सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसी घटना पर नियंत्रण करें। समस्त धर्मावलंबी सड़क पर उतर जाएंगे। हम लोग घोर निंदा करते हैं, इस को लेकर समस्त झारखंड वासियों में एक आक्रोश है कि इस तरह की घटना इस क्षेत्र में हो रही है। मुकेश ताम्रकर, हिंदू जागरण मंच, प्रखंड अध्यक्ष। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।